अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ये कि काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आते रहते हैं कि यार ये पिन बेयरिंग बहुत ज़्यादा टूटते हैं हमारे, तो ये क्या मसला होगा। तो ये मसला है मेरे हेड में, तो इसकी मैंने वीडियो बना ली। देखिए ये पिन बेयरिंग ये केम में फंस रहा है, सही है। तो जब ये फंसेगा, ये वाला होगा या दूसरा वाला होगा, ये जब फंसेगा तो ये पिन बेयरिंग टूटेगा, ठीक है ना। यहाँ देखें ये अटक रहा है, मैं इसको आपको दोबारा चेक करा देता हूँ हेड ऑन ऑफ करके, सही है। देखें ये यहाँ पे फंस रहा है, ये अंदर वापस नहीं जा रहा, सही है ना। इसको गौर से देखें आप, देखें ये दोबारा फंस गया, सही है। अभी दोबारा इसको तो दो चार बार मैं ऑन ऑफ करूँगा तो ये फंसता ही रहेगा यहीं पे, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या सेटिंग है मैं बताता हूँ आपको। इसकी यही सेटिंग है कि आपने ये 5 नंबर की एलकी का नट इसका खोलना है, केम वाला, सही है। केम वाला इसका नट खोलना है, देखिए मैंने खोला है, जो कि एक हाथ में मेरे कैमरा था, सही है। तो ये रख के खोला है, अभी इसको टाइट करूँगा तो आप देख लेना कि ये किस तरह से होता है। ये देखें ये वाला नट मैंने खोला है, ठीक है ना। तो अब इसको टाइट करूँगा मैं, अगर दूसरा पिन बेयरिंग टूट रहा हो या ये वाला टूट रहा हो तो इसी जगह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। अभी इसको मैं टाइट कर रहा हूँ और बिल्कुल आराम से करना है ताकि ये कैम हिले ना आपकी, सही है ना। बिल्कुल VIP तरीके से करना है और इंशाल्लाह यही ये सेटिंग आप कर लें तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। वो इंडिया से एक हमारा दोस्त है, आलम भाई नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा मसला आ रहा है, मैंने बताया भी था उनको कमेंट में, और ये मसला मेरे पास आ गया तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लें कि उनको भी पता चल जाए और जो नए आने वाले दोस्त हैं या पुराने दोस्त हैं उनको भी ये उन तक वीडियो पहुंच जाए, सही है ना। तो यही सेटिंग है पिन बेयरिंग टूटने की। देखिए अभी ये बिल्कुल नहीं फंस रहा, मैं आपको इंशाल्लाह चलते हुए भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चल रहा है। देखिए ये सामने जो कट नज़र आ रहे हैं ना दोनों आपको केम के, इनमें जब पिन बेयरिंग फंसेगा ना तो ये टूटेगा, लाजमी बात है। और ये वाला कट और इसका जो दूसरा पिन बेयरिंग है ये वाला कट, सही है। इन दोनों में जब ये पिन बेयरिंग फंसेगा तो ये जाहिर बात है टूटेगा। हाँ ये इस वजह से भी टूटते हैं पिन बेयरिंग कि ये कड़े जाम होते हैं ना, कड़े जाम होते हैं या कड़े टेढ़े होते हैं, तो इस वजह से भी टूटते हैं, सही है। तो मैं नीचे दिखाता हूँ आपको हेड पे क्या सूरत हाल है, इसने क्या किया हुआ है। देखें यहाँ पर ये इसने बुरा हाल किया हुआ है, मकसद है, और यही वजह थी ये नीचे फंसने लग गया, सही है ना। तो जब ये फंसने लग गया तो ये नीचे इसने काम अपना ख़राब करना शुरू कर दिया। तो अब इसकी टाइमिंग बांधी है मैंने, चला के आपको देखते हैं, ये थोड़ा इसको बेक कर लें क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ये ख़राब हो गया है माल। अब इसको बेक करके जो है वो करता हूँ मैं, वापस चलाता हूँ तो वहाँ पे आप देखेंगे इंशाल्लाह ये बिल्कुल ज़बरदस्त चलेगा, ठीक है ना। नए आने वाले दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ऑल कर दें ताकि मेरी हर आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो अब इसको बैक कर रहा हूँ मैं, अभी चला के दिखाता हूँ आपको ये किस तरह से चलता है, इंशाल्लाह बेहतरीन चलेगा। और क्वालिटी भी दिखाता हूँ कि कैसी क्वालिटी आ रही है, सही है ना। तो आपको अगर अपने मशीनों से रिलेटिव कोई भी मसले की वीडियो बनानी है तो कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब भी दूंगा और आपकी वीडियो भी बना के भेज दूंगा मैं 1 से 2 दिन में, ठीक है ना। तो अभी देखें इसको मैंने चलाया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसको मैं अभी स्लो करूँगा, ये देखो यहाँ पर ये स्लो किया है, दोबारा किया है ताकि आपको वो समझ आए, ठीक है ना। देखें और क्वालिटी भी देख ले माशाल्लाह से, इतनी बेहतरीन क्वालिटी बना रहा है, देखें कोई इसमें नहीं है, वो फ़र्क नहीं है, माशाल्लाह VIP क्वालिटी बना रहा है। तो यही सेटिंग है, आप भी अपनी मशीनों की कर सकते हैं तो सारा कुछ बेहतरीन बना सकते हैं अपनी मशीनों का, और कुछ भी नहीं है यार, सही है ना। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं, मैं रोका है अभी, रोक के दोबारा चलाता हूँ इसको, सही है ना। तो ये इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई वो नहीं होगा, ये बेहतरीन चलेगा इंशाल्लाह। देखें किस तरह से ये क्वालिटी बना रहा है, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी आ रही है इसकी, नज़र आ रहा है ना। हाँ सही है, तो यही सेटिंग है। तो आज का यही टॉपिक था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।
अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।